स्वागत है जी आपका सभी का कृषि वार्ता चैनल पर। आज हम आपको फ्लेमिंगो और कमल वाला डिज़ाइन बनाना बताएंगे। पहले हमने सैपग्रीन लेके पत्ती की अंदर वाली साइड बना लेनी है डार्क कलर से, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं कि पत्ती में सभी जगह सैप ग्रीन फिल कर देना है हमने। और जो बाहर वाली नीचे वाली साइड है, ये पत्ती मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो हमने सैप ग्रीन और ऑकर येलो से बनानी है। वो हम थोड़ा जो सैप ग्रीन है वो कलर कम रखेंगे और जो ऑकर येलो है वो ज़्यादा रखेंगे, ताकि वो पत्ती बाहर वाली साइड से थोड़ी लाइट दिखाई दे सके। हमने सैप ग्रीन में थोड़ा सैप ग्रीन और थोड़ा सा ज़्यादा सैप ग्रीन से हमने ऑकर येलो कलर लेके पत्ती की बाहर मुड़ी हुई साइड दिखानी है, यानी कि नीचे वाली साइड। और इसी तरह से हमने ये कलर भी फिल कर देना है। और पत्ती की जो बाहर वाली साइड है या मुड़ी हुई अंदर वाली साइड है, उसको हमने अच्छी तरह फिनिशिंग से करना है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सैप ग्रीन और ब्लैक से हमने पत्ती की अंदर वाली शेड दिखाई है। और जो बाहर वाली साइड है, एक बार हम उसको फिर दोबारा से जो है अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कलर फिल कर देंगे, ताकि जो हमने ऊपर वाली साइड ब्लैक और सैप ग्रीन से डिज़ाइन शेड दी थी वो अच्छी तरह से दिखाई दे सके। और बीच में हमने रेशे डाल देने हैं। अब हम आपको फ्लेमिंगो बनाकर दिखाएंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने बाहर वाली साइड वाइट कलर लगाया है और नीचे वाली अंदर वाली साइड हमने जो है पिंक कलर लगाया है, और इसे फिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऊपर वाली साइड हमने जो है वाइट कलर ही दिखाना है, ताकि हम उसको लाइट दिखा सके, जैसे रोशनी पड़ती होती है। और इसका हम फुल ट्यूटोरियल अगली वीडियो में डालेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से सीखने में सहायता होगी। और इस तरह से हमने इसकी जो चोंच है वो भी लाइट पिंक कलर की और वाइट कलर की बनानी है, और नीचे वाली साइड ब्लैक। और इसी तरह से हमने सारी पत्तियां और फूल बना देने हैं, और इनको नीचे से जो हमने इसके पांव बनाए हैं वो भी हमने इसको उसके ऊपर से हम ब्लू कलर कर देंगे, ताकि ये ऐसे लग सके कि पानी में खड़ी हुई है। करनी है और फिर जो है फ्लेमिंगो बनाना है। और इसी तरह से हमने फूल बनाने हैं। हमारी अगली वीडियो में आप इसे अच्छी तरह से देख पाएंगे कि किस तरह से हमने शेडिंग दी है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कलर लगाया है। और इस तरह से हमने जो फूल हैं वो भी एक साइड से लाइट और दूसरी साइड से डार्क कलर, जो भी आपको पसंद हो वो लगा के, चाहे वो पिंक हो या मजेंटा हो, कोई भी कलर लगा के एक साइड आपने उसके वाइट कलर लगाना है, ताकि हम पत्ती को जैसे मुड़ी हुई होती है वैसे दिखाई दे सके। हल्का सा वाइट लगाना है। और इस तरह से हमने सारा फूल बना देना है। इस तरह से हमने दूसरे फूल बनाए हैं, और बीच में हमने येलो कलर और ब्लैक कलर से उसका बीच वाला पार्ट बनाया है। Yeah.
hard, but it's what we do.